फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग एक नया रेसिपी, नया नहीं कहेंगे क्योंकि ये रेसिपी इंडिया में अपने बहुत प्रचलित है मुर्गा मुसल्लम के नाम से, और इसको हम लोग बहुत ही सिंपल और बहुत ही लजीज तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चिकन लिया हुआ है 1 kg, और इसको हम लोगों ने देखिए, गौर से देखिए तो इसको थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कट किया हुआ है, ठीक है। और ये कट को हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि इसमें अच्छे तरीके से मसाले ढुक पाए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें मसाले क्या क्या लगते हैं, और मसालों की जानकारी देने के लिए किचन की एक्सपर्ट गजाला परवीन है, वो हमें बताएंगी कि इसमें क्या क्या मसाला पड़ेगा। तो गजाला परवीन बताइए, यहाँ से शुरू कीजिए। इसमें दही और ये तीखा लाल मिर्च है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। ओके। ये हल्दी है। ओके। और ये जाफरानी रंग है कलर के लिए। ओके। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। ठीक ठीक। और इसमें 4 अदद प्याज चाहिए, और अदरक लहसुन, पिस्ता बादाम, आप काजू भी ले सकते हैं, मैंने स्किप किया है काजू, नारियल और दालचीनी, लौंग, इलायची, और ये काली मिर्च है। बादाम आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आपके ऊपर है। और ये सब 1 tablespoon, ये जितने मसाले हैं। और ये टमाटर। ओके। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मैरिनेट करने के लिए। ओके। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं आगे का स्टेप, आगे क्या करना है हम लोग। आगे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए पहले हम मसालों को मिला लेंगे एक साथ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ओके। और ये मिर्च है, तीखा लाल मिर्च है। और ये हल्दी है। और ये रंग है जाफरानी रंग, इससे बहुत अच्छा ही कलर आता है। ओके। जो चीज़ देखने में खूबसूरत होती है उसे खाने भी में मज़ा आता है। और ये नमक, डालेंगे इसमें दही। अच्छा, दही थोड़ा सा लेना है ना? हाँ, दही इसमें ज़्यादा नहीं लेना है। इन मसालों को अच्छे से मिला लीजिए ताकि आपको चिकन में इसे मिलाने में आसानी होगा। ओके। इसमें थोड़ा सा तेल भी डालेंगे हम, ये सरसों का तेल है। मसाले को खूब अच्छे तरह से मिला लीजिए, सारे मसाले मिल जाए एक दूसरे से। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, ये पूरा अच्छे से मिल गया है। अब हम इसे चिकन डालेंगे। इसको अच्छे से हाथ से लगाइए ताकि अंदर तक पूरा जाए मसाला, तभी टेस्ट आएगा चिकन में। इसी तरह आप बाकी के पीस को भी मिला लीजिए मसाले में। ये देखिए, इसको मसाले को अंदर पूरा अच्छे से मिलाइए, तभी अच्छा और टेस्टी बनेगा मुर्गा मसल्लम। ये बहुत इजी है, इसको बिना ओवन के, बिना ग्रिल के बना सकते हैं आप घर में। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, ऐसे करके सारे अपने पीसेस को मसाले में लपेट दीजिए। देखिए, अभी इतना अच्छा कलर आ गया है, इसको फ्राई होने के बाद इसका और भी अच्छा कलर हो जाएगा। इसको आधा एक घंटा, जितना ज़्यादा देर रखेंगे मैरिनेट करके, ये उतना अच्छा, उतना टेस्टी बनेगा।
अब इसको हम एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। पहले कढ़ाई को हम चढ़ाएंगे गरम होने के लिए। अब मेरा कढ़ाई पूरा गरम हो गया है। अब इसमें हम सरसों तेल डालेंगे क्योंकि इसी में हमको फ्राई करना है। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो हम प्याज पहले से काट के रखे हैं। प्याज हम सब डाल देंगे इसमें। मेरा थोड़ा सा हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन जो मैंने पहले से छील के रखा हुआ था। ये अदरक लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्का फ्राई करना है थोड़ी देर तक। इसको हम फ्राई करेंगे इसमें। इसमें हम कटा हुआ जो टमाटर है जिसे हम काट के पहले से रखे हुए थे उसको डालेंगे। थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गल ना जाए। जब ये गल जाएगा थोड़ा तो हम इसको मिक्सर में पीसेंगे। इस मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह मसाला फ्राई करके उसके बाद पीसने पे मसाला बहुत ही टेस्टी होता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। इसकी खुशबू से आपको भूख लग जाएगा। देखिए सारे मसाले एक दूसरे मिल गए हैं। पूरा टमाटर भी गल गया है हमारा और प्याज भी हल्का गल गया है। अब ये पूरा बन गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे बॉल में। अच्छी तरह से निकाल लीजिए। तेल कम निकले, पीसने में आपको आसानी होगा। इसको हम रख देंगे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये सारे गरम मसाले हैं इसको हम भूंज लेंगे। गरम मसालों को अगर भून के अगर हम डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये तेल हमारा जो बचा हुआ था जिसमें हमने मसाले को फ्राई किया है प्याज को, वो तेल बचा हुआ उसमें अब हम अपना चिकन डालेंगे जो हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। एक एक करके मसाले को लगा के अच्छे से ताकि उसमें मसाला लगा रहे, एक एक करके हम डालेंगे इसमें। ये रहा, बहुत ही अच्छे से आपको डालना है। ये दूसरा पीस डालेंगे। इसी करके हम अपने सारे पीस डाल देंगे। इसको कैसे हमने पलट दिया है, पलट पलट के आपको सेकना है ताकि पूरी चिकन अच्छी तरह से पक जाए और बराबर सेकिंग सिकाई हो इसकी। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा पक जाए कहीं कम पके। देखिए इसका अभी से इतना खूबसूरत कलर आ गया है। अभी हमने डाला है बस। ये बनने के बाद और भी खूबसूरत होगा और टेस्टी भी होगा। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा फ्लेम पे नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे जल जाएगा। चिकन मेरा देखिए जो फ्राई हो चुका है, फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और ये रहा जो मसाले हमने फ्राई किए थे उसको मैंने पीस लिया है प्यूरी बनाने के लिए। और ये दही है और ये गरम मसाला है पाउडर बना के, और इसी में मैंने बादाम पिस्ता और नारियल भूंज के पीस लिया है। और ये तेल हमारा गरम हो चुका है। तेल डालेंगे, तेल काफ़ी गरम हो गया है।
मसाले बनाए हैं, पीस के तैयार किया है, इसको हम डालेंगे। ऐसे तो ग्रेवी वाली मुर्गा मसाला बहुत कम बनता है, लेकिन अगर हम घर में बना रहे हैं देसी स्टाइल में कढ़ाई में, तो ये ग्रेवी वाला ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसा बना और आपको कैसा लगा। इसको आप फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और ये वाला जो हमारा गरम मसाला और नारियल था, बादाम था, उसको भी हम डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं काजू पिस्ता, और चाहे तो भूंज के भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, नहीं तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिला लीजिए, मिला के इसको नमक डाल दीजिए। ये मिल गया है, अब इसको हम ढक देंगे। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा कढ़ाई चाहिए, क्योंकि सारे चिकन को एक साथ हम मसाले में डालते हैं। इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा मसाला पूरा भुन गया। इसको हम ढक के पकाएंगे, मगर बीच बीच में चलाते रहेंगे, वरना पूरा मसाला जल जाएगा। अब देखिए ये पूरा तेल आ गया ऊपर, इससे पता चलता है कि हमारा मसाला पूरा भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे दही, थोड़ी सी ही दही डालेंगे, क्योंकि हमने दही डाला था मैरिनेट करने में। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसको थोड़े देर और भुनेंगे ताकि दही अच्छे से इसमें मिल जाए। ये देखिए दही भी अब भुन गया है, और देखिए कितने अच्छे से मिल गया, कितना अच्छा कलर आया। अब देखिए ये कलर कितना अच्छा कलर आया है। जब खाने का रंग अच्छा होता है तो उसको खाने में भी मज़ा आता है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें ग्रेवी को गाढ़ा चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा चाहिए, तो पानी भी कम डालेंगे। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, चम्मच को धो लीजिए उसी में बस। फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसको थोड़ी देर पकने दीजिए, ढक के 5 से 10 मिनट। देखिए ये मसाला पूरा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके अपना चिकन, फ्राई किया हुआ चिकन। देखिए ये एक एक करके इसमें डाल दीजिए अच्छे से। बचा हुआ तेल है। इस तरह का मुर्गा मसाला घरों में ज़्यादातर बनता है, रेस्टोरेंट में आपको ऐसा मसाला नहीं मिलेगा। अब हम इसको ढक देंगे, एकदम धीमे आंच पर दम की तरह पकाएंगे। हमारा मुर्गा मसाला देसी स्टाइल में बनके तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत हुआ है। और ये हमारा नान, अब इसको मुर्गा मसाला को नान के साथ खाइए और बताइए कैसा है टेस्ट। आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।